पब्लिक टीवी आपकी आवाज। स्मार्ट साउंड Smart Sound. Smart Sound. ये घटना शॉर्ट सर्किट से हुई है। असालतपुरा पावर हाउस नंबर 15 के सामने गली में, और गली भी छोटी नहीं है, चार मंजिला मकान है। उसमें नीचे कबाड़ था, टायर से बैठ रहे थे, उसमें आग लगी शॉर्ट सर्किट से, और उसके बाद में फायर ने और थाना कलेक्टर ने और असालतपुरा के लड़कों ने, जाबाल लड़कों ने उन लोगों को निकाला। सीढ़ी लगा कर आमने सामने सीढ़ी लगाई, ये जो पांच लोग चार लोग यहाँ बच्चे हताहत हैं, तो इन लोगों को निकाला वहाँ से जैसे तैसे करके, और बाकी फायर ने पीछे के साइड से निकाला, जिसमें से एक बच्ची फौत हुई है, एक बच्ची का देहांत हुआ है। जिसे हमें मुझे उम्मीद यही थी, क्योंकि मैंने उस बच्चे को गोद में लेकर के रखा है, मुझे उम्मीद थी कि पूरी तरह से कि बच्ची बच जाएगी, मगर अल्लाह ताला ने उसकी उम्र भी पूरी कर दी। अब एक ही परिवार के पाँच लोग गए। क्या काम होता है वहाँ, कौन है, किसका घर किसका है? मतलब ये सब कबाड़ का ही काम है। किसका घर? पूरे बच्चे बच्चे सब कबाड़ का मालिक कौन है? घर किसका? इरशाद मोहम्मद इरशाद, स्वामी मोहम्मद इरशाद हैं। और अब हमने अभी दरख्वास्त की है जिलाधिकारी महोदय, SSP महोदय से पोस्टमार्टम की, मगर सिस्टम जो कहता है वो यही है कि भाई, और उन्होंने पूरी मदद करने की कोशिश कहा है। इनके घर में किसी की शादी थी कल, नवासियों की शादी थी, दौलत नवासियों की शादी थी कल, और उसके आज मंडे का प्रोग्राम था जिसमें जाने के लिए तैयारी कर रहे थे। कहाँ से शादी होने वाली थी? शादी असादपुरे में ही है, हरी चौक की मस्जिद के सामने। अच्छा। और वहीं करीब में मतलब लड़के वाले हैं जो नवासी, इनके किसकी बेटियां हैं वो, उनका नाम बता पाएंगे क्या? हाँ, मोहम्मद जावेद, इनकी पत्नी अभी। जी जी। अच्छा, उनकी बेटी का, उनकी पत्नी का नाम, इनकी जिस बेटी का? बबली। बबली, बबली की बेटियों की शादी थी, दो बेटियों की। शुक्रिया। हाँ देखिए, असालतपुरा में है एक तीन मंजिला बिल्डिंग थी, जिसमें एक ही परिवार के तीन लोग रहते थे, तीन सगे भाई हैं, और उस अग्निकांड के चलते पांच लोगों की अभी तक डेथ हुई है, और सात लोग वहाँ से सुरक्षित बाहर निकाले जा चुके हैं, अब अंदर कोई फंसा नहीं है। इसके अलावा हम लोगों ने, हमने और SSP साहब ने और हमारे अधिकारी ने वहाँ घटनास्थल का भी निरीक्षण किया, और हॉस्पिटल भी हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं, और निश्चित रूप से बहुत ही दुखद घटना है। कारणों के बारे में फायर ब्रिगेड अपनी जांच कर रहा है, जल्दी हम आपको विस्तृत इसकी जानकारी देंगे। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।